द रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। सो पिछले सेक्शन में हमने महाविद्यालयपुरम के बारे में जाना था और देखा था कि किस तरह वहाँ के जो 6 रूलर्स थे वो लोग अपनी मलयालम भाषा को बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी मलयालम भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से अपने साम्राज्य को वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उससे जोड़ना चाहते थे। सो अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह जो रूलर्स हैं वो अपने आप को, अपने साम्राज्य को, अपने स्थान को रिलीजियस ट्रेडिशन से जोड़ना चाहते थे और जोड़ रहे थे। ठीक है, तो हम जगन्नाथ कल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे इस सेक्शन में। सो पिछले सेक्शन में तो हमने केरला वाले जो जगह है वहाँ के बारे में पढ़ा था। तो अब इस सेक्शन में बोला जा रहा है इन अदर रीजन्स, कि मतलब दूसरे जो इलाके थे वहाँ का जो रीजनल कल्चर था, वहाँ की जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थी वो वहाँ के रिलीजियस ट्रेडिशन के बेस पर विकसित हुई, बढ़ी। मतलब कि किसी जगह का जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, वहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनके बेसिस पर वहाँ के जो रीजनल कल्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ। और इस चीज़ का है जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमें देखने मिलता है कल्ट ऑफ जगन्नाथ में। तो जगन्नाथ का जो संप्रदाय है उसमें हमें इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने मिलता है कि किस तरह एक जगह का जो रीजनल कल्चर है वो उसके रिलीजियस ट्रेडिशन से निकल कर आया। सो जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे जग का नाथ, मतलब पूरे दुनिया का भगवान। तो ये जो है भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। और ये जो कल्ट ऑफ जगन्नाथ की हम बात कर रहे हैं, ये पुरी उड़ीसा की बात कर रहे हैं। सो आज तक भी जो पुरी के ट्राइबल पीपल हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोग अपने भगवान की, अपने देवता की वुडन इमेजेस बनाते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डेटी थे वो ओरिजिनली लोकल गॉड थे। तो जो जगन्नाथ हैं वो ओरिजिनली उनके लोकल गॉड थे और बाद में जिनको भगवान विष्णु की तरह ही आइडेंटिफाई कर लिया गया, मतलब कि बाद में उन्हें ये कह दिया गया कि ये भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस तरह तो ओरिजिनली तो वो उनके लोकल गॉड थे और बाद में धीरे धीरे करके जैसे भक्ति मूवमेंट्स वगैरह बढ़ी, भगवान विष्णु, शिव एंड पार्वती की जिस तरह पूजा होने लगी, दुर्गा माँ की पूजा होने लगी, तो इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने अपने अपने जो रीजनल गॉड है, उनके जो लोकल गॉड है, उनको इन देवी देवताओं से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो यहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल थे उन्होंने अपने लोकल गॉड को बाद में क्या कहा कि ये भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है। सो 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे अनंतवर्मन। तो उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। और बाद में 1230 में किंग अनंग भीमा III जो थे उन्होंने अपने पूरे किंगडम को, अपने पूरे साम्राज्य को भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को डेडिकेट कर दिया कि ये जो सारा साम्राज्य है मेरा, ये भगवान तुम्हारा है, ये मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। और खुद को उसने क्या कहा? ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड, और खुद को भगवान का डेप्यूटी बता दिया। तो डेप्यूटी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेकेंड नंबर की पोजिशन होती है, जैसे हेड हो गया और दूसरा हो गया डेप्यूटी हेड, कि मतलब जो हेड के जस्ट नीचे है। तो इसी तरीके से जो अनंग भीमा थे उन्होंने अपने आप को भगवान का डेप्यूटी बता दिया और अपने पूरे साम्राज्य को भगवान को समर्पित कर दिया। अब जैसे जैसे ये जो टेम्पल बनवाया था अनंतवर्मन ने पुरी में, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का ये जो टेम्पल बनवाया था, तो धीरे धीरे करके ये जो टेम्पल है उसको एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज के रूप में, मतलब कि एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में इम्पोर्टेंस मिलने लगी। और जैसे जैसे इसकी ये जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही इस टेम्पल की जो ऑथोरिटी है इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स वो भी बढ़ गई। मतलब कि सामाजिक एंड राजनीतिक कार्यों में इस मंदिर की जो भूमिका है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जिन भी लोगों ने उड़ीसा पर कब्जा किया था, उड़ीसा को कंट्रोल किया, जीता, जैसे कि मुगल्स हो गए, मराठास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो इन सभी लोगों ने इस टेम्पल पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर हम इस टेम्पल पर कंट्रोल कर लेंगे तो हम जो वहाँ की आम जनता है उसके बीच में हम एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। मतलब कि ये जो आम जनता है यहाँ की, उड़ीसा की, ये हमें एक्सेप्ट कर लेगी, स्वीकार लेगी, क्योंकि वो फिर हमें जो जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ भगवान है, उनसे जोड़ कर देखेगी कि जिसका कंट्रोल जगन्नाथ टेम्पल पर हुआ तो वो भगवान से अपने आप को जुड़ा दिखा सकता है कि भाई हम भगवान से जुड़े हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस जो चीजें हैं, भावनाएं होती हैं लोगों में, धार्मिक भावनाएं होती हैं लोगों में, इस वजह से लोग हैं बहुत जल्दी इन चीजों से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए जिन भी लोगों ने उड़ीसा पर कंट्रोल किया था, उड़ीसा पर जीत प्राप्त की, वो सभी लोग कोशिश करते थे कि वो लोग जगन्नाथ टेम्पल पर भी कंट्रोल कर ले, ताकि वो लोगों के बीच में अपने आप को उन्हीं के जैसा दिखा पाए, वो लोग आम जनता के बीच में ये दिखा पाए कि वो भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, भगवान जगन्नाथ से, और इस लोग ताकि उन्हें स्वीकार कर ले, अपने राजा की तरह मान ले। तो इस तरीके से जो जगन्नाथ टेम्पल है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी सोशली भी और पॉलिटिकली भी। सो इस सेक्शन में हमने जगन्नाथ कल्ट के बारे में देखा कि किस तरह जो भगवान जगन्नाथ थे वो पहले वहाँ के लोकल लोगों के लोकल गॉड थे, वहाँ के जो लोकल भगवान हैं वो थे। पर धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों ने जगन्नाथ को भगवान विष्णु से जोड़कर देखना स्टार्ट कर दिया और फिर ये मान लिया गया कि जो भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है जगन्नाथ। और बाद में हमने देखा कि किस तरह जो राजा महाराजा हैं वो भी जो जगन्नाथ कल्ट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अनंतवर्मा ने मंदिर बनवाया पुरी में, और फिर हमने ये देखा कि जो अनंग भीमा थे, अनंग भीमा III, उन्होंने तो अपने पूरे साम्राज्य को ही, अपने पूरे किंगडम को ही भगवान को समर्पित कर दिया और खुद को डेप्यूटी ऑफ गॉड घोषित कर दिया। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो भी लोगों ने उड़ीसा पर जीत प्राप्त की थी वो सभी लोग क्या कोशिश करते थे कि भाई किसी भी तरीके से वो इस टेम्पल पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाए, ताकि जो वहाँ की आम जनता है उनके बीच में वो एक्सेप्टेबल बन जाए, जो वहाँ की आम जनता है उनको स्वीकार कर ले।